वर्ण व्यवस्था एक तरीके से आरक्षण की ही व्यवस्था है, उससे कभी भी कोई तकलीफ इस देश को न हुई, न थी और न ही आज है। रिजर्वेशन को इस तरीके से पेश किया जाता जैसे खैरात है और ये किन्हीं वर्गों के घर में रखी हुई चीज थी, उनकी बपोती थी, उसको उन्होंने निकाल करके किसी और को दे दिया। इस तरीके से जो पेश किया जा रहा, आ गया सुदामा कोटा और उसके बाद में उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि आरक्षण पर इतना वक्त ही क्यों जाया। तो जातिगत आरक्षण के आप खिलाफ है, तो जिस आधार पे आरक्षण टिका हुआ है उस आधार के खिलाफ है कि नहीं है? जो जाति से पीड़ित है वो तमाम लोग इस बात पे सहमत है कि हमको जाति को खत्म करना है, जो लाभान्वित है वो क्यों खत्म करेंगे? बाहर से व्यक्ति आता है तो यहाँ कॉलेज खोलता है, आपकी कई अच्छी चीजें करता है, लेकिन यहाँ से जाकर के आदमी मंदिर बनाता है और वहां जाति के गेटों निर्मित करता है। क्योंकि आरक्षण की स्थिति क्या है, आरक्षण बचा हुआ किधर? आप अगर देखेंगे तो सारा भूमंडलीकरण, निजीकरण का जो दौर हुआ उसके बाद में सारा सार्वजनिक क्षेत्र एक तरीके से चला गया, जिसको आप कह रहे हैं कि निजी नहीं है लेकिन वो निजी है, और वहां पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। तो बात मतलब जितना ज्यादा आरक्षण को लेकर के एक तरह की एक संवेदनशीलता दर्शाई जाती है या जितना उसको लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है कि उतना आरक्षण का कुछ बचा हुआ समाज में है। तो जो सबसे कम लाभ दे रहा है उस चीज पर सर्वाधिक चर्चा करना एक तरीके से विमर्श को डीरेल करना भी। तो आप अगर देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो इतनी कम होने के बावजूद सारी बात इस पर की जा रही है कि रिजर्वेशन से बहुत कुछ खा गए हैं, और पूरी मेरिटोक्रेसी की बहस ही सिरे से ही गड़बड़ है। योग्यता तंत्र आखिर है क्या और किस तरह से आप योग्यता को आकलन कर रहे हैं? जो मेरिट का पूरा सवाल है वो क्या अंक लाने की और याददाश्त की क्षमता पर ही निर्भर करता है? हम लोगों ने एक गांव में एक छोटा सा प्रयोग किया, दिल्ली से कुछ स्टूडेंट आए हुए थे और हमने गांव के कुछ स्टूडेंट इकट्ठा किए और दो तरह के उनके एग्जाम लिए। एक घंटे तक एग्जाम में जितने भी सवाल थे वो गांव से संबंधित थे, खेती से संबंधित थे, कुएं, फसल, इन सब के बारे में थे। और हमने देखा कि ये सारे शहर से आए हुए बच्चे पूरी तरीके से उसमें फेल हो गए इसमें, और बाद के एक घंटे जो सवाल थे वो सब आपके शहर के सवाल थे, अंग्रेजी भाषा में सवाल थे, पिज्जा बर्गर जो कुछ भी यहाँ चलता वो सवाल थे। तो उन बच्चों ने सुना ही नहीं गांव के लोगों ने कि ये भी कोई चीज होती है। तो बाद के आधे एक घंटे का जो सेशन था उसमें वो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो आप क्या कहेंगे कि एक घंटे पहले वो ज्यादा योग्यतावान थे और ये सारे अयोग्य थे, और घंटे भर बाद में ये योग्यतावान हो गए और वो अयोग्य हो गए? तो मुझे लगता है कि इस पूरी बहस को शुरू से ही गड़बड़ तरीके से किया जा रहा है, पूरे रिजर्वेशन के पूरी चीज को। और अगर आप आरक्षण की बात भी करेंगे तो ऐतिहासिक रूप से इस देश में बहुत सारा आरक्षण तो पहले से ही मौजूद है। वर्ण व्यवस्था एक तरीके से आरक्षण की ही व्यवस्था है, उससे कभी भी कोई तकलीफ इस देश को न हुई, न थी और न ही आज है। लेकिन जॉब और थोड़ा बहुत शिक्षा में और राजनीति में जो कुछ आरक्षण मिला, और आरक्षण है क्या दरअसल, तो प्रतिनिधित्व है ना। रिजर्वेशन को इस तरीके से पेश किया जाता जैसे खैरात है और ये किन्हीं वर्गों के घर में रखी हुई चीज थी, उनकी बपोती थी, उसको उन्होंने निकाल करके किसी और को दे दिया। इस तरीके से जो पेश किया जा रहा मुझे लगता है उसमें मुझे तो बड़ी आपत्ति होती है, और इसका कुछ मिल नहीं रहा है दरअसल। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो बिल्कुल ही बेकार साबित हुआ है, और मुझे लगता है कि इस मंच से मैं ये कह सकता हूं कि उस राजनीतिक आरक्षण से दलितों को जो एम्पावरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, बल्कि उससे और कमजोर हो गए हैं।
हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तमाम जगहों पे देखते हैं, वहां उनकी कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि सारी दलित जातियां आदिवासी जातियां एक दूसरे में बिखर करके एक दूसरे से लड़ती रहती है। तो ये सारी जो चीज कही जा रही है इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है। रिजर्वेशन जब तक EWS नहीं था तब तक वो आरक्षण की आग में पूरा देश जल रहा था, और फिर हाथों हाथ बिना किसी बहस के तुरंत जब आ गया सुदामा कोटा, और उसके बाद में उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि आरक्षण पर इतना वक्त भी क्यों जाया किया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा क्रिटिक ये है कि जातिगत आरक्षण नहीं चाहिए आपको, बाकी तो आरक्षण चाहिए, बाकी तो सब जगह पर आरक्षण चाहिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आर्थिक आधार पर भी दिक्कत नहीं है। या तो फिर आरक्षण सबसे ही दिक्कत हो कि हम तो रेलवे में भी आरक्षण नहीं कराएंगे, कहीं आरक्षण नहीं कराएंगे, हम तो इतने खिलाफ है, ऐसा तो नहीं है। तो जातिगत आरक्षण के आप खिलाफ है, तो जिस आधार पे आरक्षण टिका हुआ है उस आधार के खिलाफ है कि नहीं है, आप जाति के खिलाफ है कि नहीं है, उसको क्यों नहीं खत्म कर देते? आप आधार ही खत्म करिए तो अपने आप ही दूसरी चीज खत्म ही हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। पर मुझे लगता है कि यहां पूरी बहस ये चल रही है कि बीमारी तो बची रहेगी, इलाज नहीं होने देंगे, कोरोना तो चलेगा, हम वैक्सीन नहीं लगाने देंगे। तो ये जो पूरा चीज चल रहा है, मुझे लगता है कि इसके साथ तो एक दिक्कत हमारी है, और मुझे लगता है कि जाति की पूरी बात को लेकर के जो कुछ भी कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से मंच से हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उससे थोड़ा आगे बढ़ करके भी हमें बात करनी पड़ेगी। हम वो उसको खत्म करेंगे या हम खत्म करेंगे, इस बहस को थोड़ा आगे ले जाएं, क्योंकि जो जाति से पीड़ित हैं वो तमाम लोग इस बात पे सहमत हैं कि हमको जाति को खत्म करना है, जो लाभान्वित है वो क्यों खत्म करेंगे। लेकिन अब जिस जगह पे पहुंच गया है ये मसला, उसके बाद इस ब्लेम गेम को थोड़ा बदले और मिलकर के इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये खत्म कभी नहीं हो सकता है, ये बना ही रहेगा। हम कहेंगे जनेऊधारी नहीं खत्म होने दे रहे, वो कह रहे कि तुम नहीं खत्म होने दे रहे हो क्योंकि तुम जाति सर्टिफिकेट लेकर के स्कॉलरशिप लेते हो, तुम ये लेते हो, वो सारी चीज लेते हो। तो मुझे लगता है कि जाति जिस स्थिति में आ गई है उसका जो पूरा एक तरीके से देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, स्त्री विरोधी जो चरित्र है जाति का, उसके बाद भी अगर हम जाति को बनाए रखते हैं और फैलाए जाते हैं, और मुझे लगता है कि विश्व गुरु शायद भारत इसी काम में है, यही अविष्कार तो है हमारा जिसकी वजह से हमने पूरी दुनिया को दिया है और अभी भी देते ही जा रहे हैं। और हालत यह है कि वो कई सारे विदेशी मुल्कों में अब कानून बनाने पड़ रहे हैं कि यहां से ले जाकर के वहां और फैला दिया। बाहर से व्यक्ति आता है तो यहां कॉलेज खोलता है, आपकी कई अच्छी चीजें करता है, लेकिन यहां से जाकर के आदमी मंदिर बनाता है और वहां जाति के गेटों निर्मित करता है। तो मुझे लगता है कि जाति के सवाल को निरपेक्ष तरीके से सोचना पड़ेगा कि अब इसको खत्म नहीं किया तो ये हमें एक देश का एक इंसान बनने की जो न्यूनतम अर्हता है उससे भी नीचे ले जा रहा है। और अंत में मैं जाति आरक्षण पर भी अपनी बात कह दूं क्योंकि ये खत्म ही होगा बात। तो मुझे लगता है कि अगर आप सबको गिन रहे हैं, आप पशु भी गिन रहे हैं, पक्षी भी गिन रहे हैं, वाहन भी गिन रहे हैं, भूमि और भवन सब गिन रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है कि आप अगर गिन लेंगे और एक आर्थिक सामाजिक तरीके से सारी चीजें आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि कौन कितनी संख्या में है और किसके पास क्या संसाधन इस देश में बचे हुए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? जब भी सर एससी और एसटी की जनगणना आजादी के बाद से लगातार हो रही है, एससी एसटी की हो रही है, लेकिन आप अगर अभी सबसे बड़ा संकट क्या है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट ये है कि ओबीसी की गणना हो जाएगी और ओबीसी की गणना से उनका सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, और मैं ये महसूस करता हूं कि ओबीसी की जनगणना हो जानी चाहिए, मतलब ये जनगणना जाति जनगणना हो जानी चाहिए, ओबीसी का भी स्टेटस सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी बहुत सारी लठैत कम्युनिटियां जो है जिससे हम दलित और आदिवासी सर्वाधिक पीड़ित है, उनका भी हमें समझ में आना चाहिए कि कितना जमीनें उनके पास है, कितना सारा चीज उनके पास है। तो हमें तो हम एज ए दलित मैं तो ये चाहता हूं कि ये जनगणना सबसे पहले होकर के आए, ताकि आप बार बार जो कह रहे हैं कि ये यादवों ने छीन लिया, ये जाटों ने छीन लिया, ये गुजरों ने खा लिया, तो हमको भी पता चले नहीं कि किसने खा लिया और किस तरीके से खा लिया। तो मेरा ये मानना है कि डाटा आने दीजिए, असमानताओं का एक तरीके से मानचित्रण होगा इससे, और जब आंकड़े आ जाएंगे तो
तो नीति निर्माण और बाकी तमाम चीजों के लिए जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण साबित होगी मेरा ऐसा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।